शहर में भैरव अष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं आज भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ का आकर्षक श्रृंगार और महाआरती के पश्चात कई जगह भंडारे का आयोजन किया गया। इंदौर वायर वीआईपी रोड स्थित भैरव बाबा मंदिर पर शाम को पुलिस बैंड के द्वारा आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। वहीं इंदौर शहर के जितने भी भैरव मंदिर हैं वहां पर आकर्षक श्रृंगार के साथ मंदिर को सजाया गया है। वहीं रामबाग स्थित मुक्ति धाम पर भी भैरव मंदिर पर आकर्षक श्रृंगार के साथ शाम को भव्य आरती और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के चलते विद्युत वितरण कंपनी के कई कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी होने के कारण बिजली विभाग के रेवेन्यू में काफी कमी आ गई है। बताया जा रहा है कि पोलो ग्राउंड जोन में तकरीबन 50 कॉलोनियां हैं, जिनमें 22,000 से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से 18,000 उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान करते हैं और 6,000 उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान नहीं करते हैं, जिनकी विभाग द्वारा समय समय पर बिजली काट कर वसूली की जा रही है। लेकिन इस बार कई कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी होने के कारण विभाग क्षेत्र के बकायेदारों से वसूली नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि विद्युत वितरण कंपनी में इस महीने 2.5 करोड़ रुपये की वसूली पोलो ग्राउंड जोन के क्षेत्र से कर ली गई है और आने वाले समय में 50 लाख रुपये की वसूली कर ली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि आम दिनों में 3.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू विभाग इस क्षेत्र से वसूलता है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में होने के कारण वसूली ठीक से नहीं हो पाई है। फिलहाल आने वाले समय में विभाग इस क्षेत्र में फिर से वसूली करेगा। रेवेन्यू 80% करीब आया है। हाँ। और कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू तो क्या चुनाव में ड्यूटी लगी थी सभी स्टाफ की। हाँ। और एरिया सिलम एरिया और यहाँ दादा पहलवानों के लग था, इस कारण कनेक्शन काटने में भी दिक्कत हो रही थी चुनाव के कारण। अब इसमें जैसे हम पूरी कोशिश करेंगे 100% लाएंगे। इंदौर के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। संभाग में पीतमपुर का खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र देश में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है, जहां आधारभूत संरचना के मामले में पीतमपुर के इस क्षेत्र को देश में नंबर 1 रैंक मिली है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने यह रैंकिंग जारी की है। देश के 22 राज्यों के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों के बीच पहली बार ऐसा सर्वे किया गया है, जहां पीतमपुर के इस औद्योगिक क्षेत्र ने गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार DIPP ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के औद्योगिक क्षेत्रों की रैंकिंग की है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि प्रदेशों में उद्योगों के लिए व्याप्त सुविधाओं का आकलन, उन्हें बेहतर बनाना और प्रतिस्पर्धा पैदा करना है, साथ ही निवेश के लिए आगे बढ़ने वाले उद्योगों को मार्गदर्शन के लिए जानकारी मुहैया करवाना है। इससे पहले देश भर के प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी रैंकिंग की जा चुकी है। इंदौर को तीसरी बार भी शीर्ष स्थान दिलवाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। ODF++ की रेटिंग मिलने के बाद नगर निगम 5-स्टार रेटिंग से सीधे 7-स्टार रेटिंग पाने की कवायद में जुट गए हैं। निगम 5-स्टार रेटिंग के लिए पहले आवेदन कर चुका है और अब जल्द ही 7-स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा। निगम द्वारा 7-स्टार की रेटिंग के लिए आवेदन करने के बाद दिसंबर अंत तक सर्वे के लिए टीम शहर में आने की संभावना है। यही वजह है कि गुरुवार को हुई बैठक में दस्तावेज तैयार करने के साथ स्टार रेटिंग के लिए होने वाले कार्यों में अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरी बार नंबर 1 बनने के लिए इंदौर शहर को स्टार रैंकिंग लेना जरूरी है। January 2019 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में करीब 1,250 अंक स्टार रेटिंग के हैं। इंदौर को हाल ही में ODF++ की रेटिंग मिल चुकी है, ऐसे में निगम को 250 अंक मिल गए हैं और 5-स्टार रेटिंग पर 800 व 7-स्टार रेटिंग पर 1,000 अंक मिलना है। यदि शहर को 7-स्टार रेटिंग मिल गई तो अब की बार इंदौर का स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आना तय है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और साथ ही गणेश जी को चांदी के वस्त्र चढ़ाए गए हैं। दरअसल इंदौर के खजराना गणेश की विश्व प्रसिद्ध मान्यता है, जिसके कारण शुभ और लाभ जन्मोत्सव आज इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में मनाया जा रहा है।